सड़क पर जाम, गड्ढे और पानी, यात्रियों को कब तक झेलनी होगी परेशानी। खबर की शुरुआत इंदौर इच्छापुर राजमार्ग की उस परेशानी से है जो हर साल की कहानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर इच्छापुर राजमार्ग की। इस बार 4 घंटे की बरसात के बाद कहीं सड़क टूट गई तो कहीं गड्ढे बन गए। बारिश और बिन बारिश में भारी ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग की दुर्दशा और बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर प्रेस क्लब सनावत के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक सचिन बिल्ला से स्थानीय PWD रेस्ट हाउस में शनिवार को मुलाकात की। राजमार्ग पर रोजाना भयावह दुर्घटना घटित हो रही है और भारी वाहन गड्ढों में राजमार्ग के यात्री चक्का जाम में फंसकर घंटों तक परेशान होते रहे। बिरला ने सनावत और बड़वा नगर पालिका के CMO को राजमार्ग के शहरी क्षेत्र से गुजरने वाले हिस्से में मौजूद गड्ढों को भरने के निर्देश दिए। बिरला ने कहा है कि राजमार्ग की दुर्दशा और भयावह दुर्घटनाओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जल्द ही पत्र प्रेषित किया जाएगा। सनावत से प्रबुद्ध दोगिया की रिपोर्ट। दुर्घटनाएं हो रही है, आज प्रेस क्लब ने भी एक ज्ञापन दिया है, क्या कार्रवाई करेंगे आप? आज प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी और समस्त साथियों के द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया है और सभी को विदित है कि पूरा रोड आज बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है। हम सब लोग मिलकर शिवराज सिंह जी को भी हम लोग लेटर लिख रहे हैं और ये पूर्व में MPRDC का रोड था जो अब नेशनल हाईवे को ट्रांसफर हो चुका है। अब नेशनल हाईवे की कार्रवाई कब होगी ये तो पता नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हम लोग पूरे गड्ढे बुझवाने का काम नगर पालिकाओं से कराने जा रहे हैं और पहले इसको 2 भागों में हम लोगों ने शहर के रोड को तैयार करने का काम करवाया था। माननीय कमलनाथ जी जब CM थे उस समय PWD मिनिस्टर आदरणीय माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब ने 16,87,72 लाख रुपए करीबन इसके लिए दिए थे और काटकूट फाटे से लेकर माँ नर्मदा के तट तक ये बढ़वा के रोड के लिए और साथ में इसी में पॉलिटेक्निक चौराहे से सनावत का पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ उस चौराहे से लेकर बाकुंड नदी तक के रोड की परमिशन भी मध्य प्रदेश शासन ने दी थी इसको तैयार करने के लिए और 16,72,00,000 रुपए भी दिए थे जिसका टेंडर भी हो चुका था लेकिन सिंगल टेंडर होने के कारण निरस्त हुआ था। और इसके बाद MPRDC ने ये रोड ट्रांसफर नेशनल हाईवे को कर दिया इसलिए प्रक्रिया वहीं पर रुक गई है। तो हम लोग स्थानीय स्तर पर जो भी कर सकते हैं नगर पालिकाओं के माध्यम से वो प्रयास करते हुए भी गड्ढे बुझवाने का काम तत्काल करवाएंगे और इस विषय में नगर पालिका के CMO दोनों CMO एक CMO से मेरी बात हो गई, दूसरे से करना है, दोनों से बात करते हुए जहाँ जहाँ भी गड्ढे हैं उनको दुरुस्त करने का काम हम लोग कराएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।